फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड आज मैं आप लोगों के साथ विंटर का मेरा मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। ऐसे तो बॉम्बे में विंटर पड़ता ही नहीं है, फिर भी ये जो घर है ना इससे थोड़ा सा मतलब लगता है कि विंटर आ रहा है, क्योंकि बाहर जो है ना तो बाहर का नज़ारा देख के आप लोगों को तो थोड़ा सा पता होगा कि देख के लग रहा है कि हाँ विंटर पड़ गया है। जैसे गाँव में दिखते हैं ना वैसे ही, तो इसको तो हम मतलब बंगाली में इसको हम कुआशा बोलते हैं, इसको शायद इंग्लिश में फॉग बोलते हैं, पता नहीं मेरे को इतना तो नहीं पता, शायद मैं गलत भी बोल सकती हूँ। पर जो देखा ना एकदम अंधेरा जैसा है वैसे ही देख के समझ में आते हैं कि विंटर पड़ गया है। हल्का हल्का महसूस भी होता है, ज़्यादा नहीं, मतलब एसी फ़ैन चालू ही करना पड़ते है, ऐसे विंटर पड़ता है इधर। पसीना नहीं आता पर एसी और फ़ैन चालू रखना पड़ते है ऐसे ही। और अभी जो है मॉर्निंग का आज मेरा क्लीनिंग का रूटीन शेयर करूंगी। क्लीनिंग मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा रहते हैं, एक इंडियन मॉम का मॉर्निंग रूटीन कैसा रखते हैं, बस वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सुबह सुबह जो है झाड़ू पोछा कर लिया था मैंने। झाड़ू पोछा करने के बाद अगर टाइम मेरे को रह जाते हैं ना तो ये सारे काम भी कर लेती हूँ। टाइम रहता ही है, मतलब ये करते करते एक आदत पड़ गया है। ये जो सिंक का ये साफ़ करना, फिर इधर उधर का जो भी रहते गंदगी वो साफ़ करना, पानी भरना, पानी बहुत कम आते हैं अभी इस टाइम पे, बोतल को भर के रखना। और कभी कभी अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाते हैं ना तो मैं किचन का डस्टिंग भी कर लेती हूँ, जो कि मैं हफ्ते में 3 दिन करती हूँ, डेली नहीं होते। इस घर में बहुत ज़्यादा डस्ट है, इसके लिए मुझे हफ्ते में 3 दिन तो करना ही पड़ते हैं। अगर डेली करती तो और भी अच्छा होता, पर मुझे टाइम नहीं मिलते हैं। तो मेरा किचन का जो फ्रिज है ना उसके ऊपर और ये जो कैबिनेट है ना इसको मुझे हफ्ते में मैं एक बार क्लीन करता ही हूँ। अभी ये तो बहुत दिनों से गंदा पड़ा है, तो इसीलिए मैंने इसको सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम है तो इसको भी मैं थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। तो जो फ्रूट वगैरह था उसको मैं एक ही बास्केट में रख दिया। और मेरा ये जो किचन का कैबिनेट है इसके ऊपर जो कटलरी है ना, मतलब जो भी मेरा सिरामिक का थोड़ा बहुत है, जितना है सब नहीं रखती हूँ, कुछ ही मैं ऊपर रख देती हूँ कभी कभार अगर ज़रूरत आए तो इसीलिए। और ज़्यादातर मैं बेड बॉक्स के नीचे रख देती हूँ। अभी उसको साफ़ करने गई थी और सब नीचे गिर गया था, पर भगवान की कृपा से कुछ भी टूटा नहीं, कुछ भी एक भी टूटा नहीं था, उतने ऊपर से नीचे गिर गया था, सारे सिरामिक का था पर कुछ भी टूटा नहीं है। तो बस अभी किचन का थोड़ा बहुत डस्टिंग है, इधर उधर का सामान जो बिखरा हुआ रहता है उसको बस मैं साफ़ कर लूँगी। बाबा हमारे हाथ
देखा ना सब कुछ कैसे गिर गया, पर भगवान की कृपा से कुछ भी चीज़ एक भी टूटा नहीं है। मुझे तो लगा आज मेरे हाथ में लक्ष्मी आ गया, इसीलिए शायद कुछ भी चीज़ जो है टूटा नहीं है। तो चलो ये सारे डस्टिंग का जो भी काम है वो सब करके मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ बेडरूम पे, क्योंकि बेडरूम में मेरा हालात, बेड का हालात बहुत ख़राब है। मून सोके रहती है तो लास्ट में जाती हूँ, झाड़ू पोछा पहले ही कर लेती हूँ और लास्ट में मैं बेड को क्लीन करने के लिए जाती हूँ। कुछ कपड़ा रह जाते रात का जो कि मैं बाहर सुखाने के लिए देती हूँ ना, वो रात को फोल्ड करने का मन नहीं करता, तो सुबह ही बस फोल्ड करके रख देती हूँ और बेडरूम को भी एकदम से क्लीन कर लेती हूँ। तो चलो जो जो काम है मेरे पास मतलब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करते जाऊंगी। बस यही रहते हैं मेरा विंटर का मॉर्निंग रूटीन। ये शायद हर एक हाउसवाइफ, हर एक इंडियन मॉम का ये रूटीन रहते हैं, सुबह उठ के झाड़ू पोछा, फिर ब्रेकफास्ट बनाना, फिर जो भी क्लीनिंग का काम रहते हैं और भी एक्स्ट्रा जो भी मतलब जिसका जो काम रहते हैं एक्स्ट्रा वो रहते हैं। तो मेरा भी बस यही काम था एकदम जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर किया आज। तो मून उठ जाने के बाद अभी जो मैं आ रही हूँ, अभी 8:30 की टाइम हो रहा है, तो मून को मैं पूरा का पूरा रेडी करके एकदम से बिठा के फिर आती हूँ। जैसे कि सुबह उसका ब्रश करवाना, ब्रेकफास्ट करवाना, सब कुछ करने के बाद मैं बेडरूम आती हूँ, फिर बेडरूम में जो कपड़ा रहता है उसको फोल्ड करके रख देती हूँ और बेड को क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद किचन में मैं बॉटल में पानी भरने के लिए जाती हूँ, पानी भरने के बाद ही मैं नहाने के लिए चले जाती हूँ और तब आके ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो सभी आपको देखने को मिलेगा, बस अब देखते जाइए और वीडियो को एंजॉय करते रहिए। आज सुबह मैं बनाऊंगी ब्रेड ऑमलेट, मून को सुबह ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ और ये जो टाइम रहते हैं ये कुछ 9:30-10 बजे का टाइम रहते हैं, इनमें हमारा ब्रेकफास्ट जो है हो जाते हैं। तो मून को मैंने डेली इस टाइम पे जूस देती थी क्योंकि सुबह उसका थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट करवा देती थी और उसके बाद जो है उसको एक गिलास जूस जो है वो देती थी, चाहे ऑरेंज जूस हो और चाहे प्रोमोग्रेनेट की जूस हो या मिक्स का जो जूस रहते वो भी देती थी कभी कभी। तो आज मैंने सोचा नहीं, आज मैं उसको कुछ नॉनवेज देती, उसको एक बहुत पसंद है, तो बस मैं थोड़ा सा नमक डाल के मैं ऑयल में फ्राई किया आज, नहीं तो मैं बटर में फ्राई करती हूँ। बटर मेरे पास था नहीं, घी था, पर मैं ऑयल में ही फ्राई कर दिया आज। तो ये जो एक है ना वो उसके पापा उसको खिलाएगी, तब तक मैं हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना लूँगी। ऐसे डेली उसके पापा नहीं खिलाते उसको, कभी कभार अगर मैं बोल देती हूँ थोड़ा सा खिलाने के लिए, और कुछ नहीं खिला पाती है वो, बस ये एक ही खिला पाती है, वो भी अगर मैं ऑमलेट करके देती हूँ तब, और कुछ नहीं, फ्रूट नहीं, जूस नहीं, ये सब कुछ नहीं, वो खिला भी नहीं पाते, पिला भी नहीं पाते हैं। एक जैसे थोड़ा सा तोड़ के उसके मुँह में डालो ना, वो थोड़ा चबा चबा के खाते हैं, नहीं तो अभी तक वो चबा के कुछ नहीं खाते हैं। ये जो दूध है ना ये कल रात का दूध था, इसके लिए ये जो बोल है ना इसको प्लीज़ इग्नोर करना। और मैं ब्रेड ऑमलेट बनाऊंगी और मैं ऑमलेट में ना टमाटर, फिर धनिया, मिर्ची,
प्याज ये सब कुछ डाल के ऑमलेट बनाऊंगी, एक ही साथ दोनों का बना लूंगी। ऐसे मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक 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 करके बनाऊँ, और ब्रेड भी मैं एक ही साथ थोड़ा सा टोस्ट कर लूँगी और फिर सर्व करूँगी। और यहाँ पर जो दूध गर्म हो रहा है ना, इसमें मैं कॉफ़ी बनाऊँगी, तो चलो फटाफट से बना लेती हूँ, फिर खाना भी खाना है। अभी तक मैंने कॉम्बिंग नहीं किया, अभी नहाने के बाद तुरंत आ गई मैं किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि मून को 10:30 बजे तक जाना है, उसको खाने के लिए ही आधा घंटा पौने एक घंटा लगते ही है, तो उसके लिए फिर हमें खाना है, फिर जो भी थोड़ा बहुत काम वो करके फिर मून को देने के लिए जाना है, मून के पापा को जाना है। इसके लिए मैंने सोचती हूँ कॉम्बिंग वगैरह बाद में करूँगी, अभी तो हो गया है खाना रेडी। तो चलो हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद जब मुझे टाइम मिलेगी तब मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी। और सुबह से मैं आप लोगों के साथ मिल भी नहीं पाई हूँ, मैं आप लोगों के साथ बात भी नहीं कर पाई हूँ। जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगी, शायद टाइम मून को दे के आने के बाद फिर मिलेगी, तब थोड़ा सा बात करके व्लॉग को एंड भी कर दूँगी। देखा मैंने बोला था ना मैं कॉम्बिंग तक नहीं किया, और मेरा बाल पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही झड़ रहा है। इसके लिए ना मैं जब भी कॉम्बिंग करती हूँ बाहर चले जाती हूँ, नीचे एक दो भी बाल गिरते हैं ना, मून बहुत डरते हैं बालों से, थोड़ा उसको घिन भी आते हैं। इसके लिए ना मैं तुरंत उसको उठा के पहले फेंक देती हूँ, उसके बाद क्लिप लगाती हूँ। और अभी हम जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मिलती हूँ, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मून के पापा चले गए हैं, और अभी जो है 10:15 ही हुआ है, और 10:30 बजे मून को लेके जाना है। इसके लिए मैं बस देख रही थी, उसको रेडी करवा रही थी, वो थोड़ा सा रोती है हाँ ट्यूशन जाने के लिए, इसके लिए मैं उसको हर एक टाइम ये वो बस बोलते ही रहते बोलते रहते हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो रोए ना, क्योंकि उधर और भी बच्चे रहते हैं, उनको डिस्टर्ब होएगा। इसके लिए मैं जितना होते हैं मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, रोते हैं, ट्यूशन जाना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। वो पढ़ाई करने के लिए कभी रोती नहीं है, पढ़ाई करने के लिए बैठती है, पर मैं अगर बोलूँगी ये बोलो, अगर ज़ोर से बोलूँगी ना तो रोने लग जाती है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल बहुत है। मैंने उसको बस हर एक कामों में बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ कि वो बिज़ी रहे और उसको रोना नहीं आए। तो मैं बोलती हूँ तुम तुम्हारा बैग अच्छे से पैक कर लो, जो जो चाहिए तुम्हें, तो वो तो अपने मेकअप के ऊपर ही है, वो तो एकदम पूरा दिन ड्रेसिंग टेबल के सामने ही रहते हैं, कभी किधर बिंदी लगाना है, कभी कौन सा मेकअप करना है, लिपस्टिक लगाना है, यही सब कुछ वो करने लग जाती है। मैंने बोला चलो हो गया, इतना नहीं मेकअप करते ट्यूशन जाते टाइम, थोड़ा सा ही बस। तो अभी वो सुन लिया और अभी बैग भी दे दिया, अभी वो थोड़ा सा रोना बंद हो गया, अभी नहीं रोएगा। मैंने बहुत कुछ बोल के उसको चुप कराई, तो चलो मैं उनको दे के आती हूँ, पहले छोड़ के आती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी। और घर का हालात देखो, फिर घर को भी थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इतना किचन वगैरह बहुत मेसी होके रखा है, वो सब कर लूँगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है फ्राइडे, अभी सुबह के 10:30 बज रहा है। अभी मेरा मॉर्निंग रूटीन जो है ना ख़त्म होते हैं, मतलब मॉर्निंग रूटीन जो 10:30 बजे ख़त्म होते हैं, इसके बाद से मेरा आफ्टरनून का जो रूटीन है उसका प्रिपरेशन उसका सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी फिर से वो मॉर्निंग वाला जो रूटीन रहते हैं ना उसको ही कंटिन्यू रखना है,
जैसे कि सुबह उठ के घर को झाड़ू पोछा लगाना जो काम रहते हैं ना, वो मुझे अभी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे ये सारे सामान जो बिखार के रखा है किचन का हालात तो मैं दिखाने लायक नहीं है, वो आप लोगों को दिखा भी नहीं पाऊंगी। इधर बर्तन उधर बर्तन, जो जिधर मिला उधर, मून भी गए हैं, मून के पापा भी गए हैं, अभी अभी बस मैं हूँ और ये जो सामान है ये है मेरे साथ। गैस भी देने वाले हैं आज तो आएगा, मैं अभी अभी आके बैठी हूँ तो थक गई थोड़ा सा। चलो, बातें करने का बिल्कुल टाइम नहीं है और